आई गेस नींद तो नहीं आ रही किसी को। चलिए, डिजिटल लर्निंग के ऊपर हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमने जो चार थीम लिए हैं बहुत अच्छे और एक अलग व्यू ले जाने वाले टॉपिक्स हैं। मैं उस टॉपिक के थ्रू आपको कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। हमने यहाँ चार थीम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट साथ में जुड़ा हुआ है। जब आप इसका एक्रोनिम निकालते हैं, सभी के फर्स्ट लेटर्स निकालते हैं, तो दिस इज SPEED। तो ये चार चीजें जो डिजिटल लर्निंग से आपके निकल के आ रही है, ये आपकी लाइफ में, आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, एजुकेशनल डेवलपमेंट में, साथ ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको स्पीड देने का काम करेंगे। और ये चारों टॉपिक न सिर्फ आपको एजुकेशनल या आपकी प्लस वन लर्निंग के लिए काम आते हैं, पर साथ में आपकी लाइफ को भी आगे ले जाते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। डिजिटल लर्निंग आज हम बात करते हैं तो हमारे लिए गूगल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स तक एक सोच सीमित हो जाती है, बट इट इज़ नॉट द लिमिटेशन। ये हमारी सोच या हमारे सोच का जो दायरा है उसकी लिमिटेशन है। आज हम यहाँ आसिंद में बैठे हैं, आप आसिंद के कॉलेज में बैठ के US के किसी कॉलेज की फैकल्टी का सेशन सुन सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग। आप यहाँ बैठ के IIM के लेक्चर सुन सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग। आप यहाँ कोई कोर्स कर रहे हैं, आप चाहे BSc कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, किसी ने आपको ये नहीं रोका कि आप कॉमर्स में US की किसी मैनेजमेंट की फैकल्टी से कोई लेक्चर या कोई टॉपिक सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में US के बैंकिंग का चल रहा है, एक SBC बैंक का। अगर आप लोग उस चीज़ को नेट पे पढ़ के एक्सप्लोर करके वहाँ से कोई प्रोफेशनल चीज़ निकालना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग। आप न सिर्फ अपनी करियर में, एजुकेशनल लाइफ में, साथ ही अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में भी एक प्लस वन करेंगे उस डिजिटल लर्निंग से। आज आपका ग्रेजुएशन खत्म होने तक अगर आप उस डिजिटल लर्निंग को अपने साथ जीवन में ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जब बाहर निकलेंगे, जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे या प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करेंगे, आपकी ग्रूमिंग इतनी अच्छी तरीके से हो सकी, इतनी अच्छी तरीके से आप ग्रूम हो चुके होंगे कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी MBA ग्रेजुएट के सामने, किसी IIM ग्रेजुएट के सामने उस लेवल पे, लेवल प्लेइंग फील्ड में आ सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग। कुछ सालों पहले तक ये कहा जाता था कि अगर आपको हायर पैकेजेस की साइड जाना है, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो आपको बड़े कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना होता है। अब वो सोच चेंज हुई है। हार्वर्ड, लंदन बिजनेस स्कूल, IIMs, ये भी डिजिटल हो गए हैं। आप अपने मोबाइल के प्लेटफॉर्म पे उनके लेक्चर्स भी ले सकते हो, साथ ही सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हो। सो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग। आपको कहीं ना कहीं अपने एक परिवेश से बाहर आकर के उस चीज को उस पर्सपेक्टिव में सोचना होगा, तो वो डिजिटल लर्निंग वास्तव में आपके लिए काम आ सकेगी। हम यहाँ रिसर्च की बात कर रहे हैं। रिसर्च इज डेफिनेटली फॉर PhD स्कॉलर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, या वो लोग तो करते ही हैं जो रिसर्च करना चाह रहे हैं। हम स्टूडेंट लाइफ में भी उस रिसर्च को कैसे यूज ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट्स आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमारी डिबेट्स, लेक्चर्स, SOPs होते हैं। क्यों नहीं हम वो रिसर्च पेपर, अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में किसी ने रिसर्च किया है, किसी ने अपना 1.5 साल 2 साल दिया है, आपको बना बनाया मटेरियल पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने रिसर्च किया होगा, उसका एक क्वालिटी कंटेंट आपके लिए रेडी अवेलेबल है। दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग। आप चाहे रिसर्च करें ना करें, उस पेपर से कहीं ना कहीं आपको एक वाइड पर्सपेक्टिव मिल सकता है। कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपने कहीं सोचे नहीं होंगे, आपके माइंड में नहीं आए होंगे, आपके करिकुलम में नहीं आए होंगे। सो ओवरऑल अगर हम अपने एक दायरे से बाहर निकलकर इन चारों चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे, तो हो सकता है कि ये चारों चीजें न सिर्फ आपके एजुकेशनल डेवलपमेंट में, पर आपकी लाइफ के साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट में एक स्पीड प्रोवाइड करवाएंगे। एक और बात कहना चाहूंगा, आज हम इस कॉलेज की धरा पर बैठे हैं। इस कॉलेज का नाम परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के नाम पर है। वे अपने आप में एक राष्ट्र संत रहे हैं। आप उनकी जीवनी से भी अपने लिए मोटिवेशन ले सकते हैं। वे ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ धार्मिक बल्कि इकोनॉमिक, एजुकेशनल और मोटिवेशनल और मैनेजमेंट टॉपिक्स पे बुक्स लिखी है। आप उनकी लाइफ को भी अगर पढ़ेंगे और वहाँ से अगर अपने लिए कुछ डिजिटल लर्निंग साथ ले जा सकते हैं, तो हो सकता है हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे।
इंस्टीट्यूट ने मुझे मौका दिया और आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।